से खबर आ रही है जहां रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में बच्ची मिली है। बच्ची ने अपना नाम जूही बताया है और पुलिस अब परिजन की तलाश में जुट गए हैं। ये बच्ची यहां कैसे पहुंची और इसके माता पिता कौन हैं, इसकी जांच पुलिस की टीम कर रही है। रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में ये बच्ची मिली है। उम्र काफी छोटी है, हालांकि उसने अपना नाम जूही बताया है। देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये बच्ची लावारिस हालत में मिली, यहाँ कैसे पहुंची, कोई जानकारी अभी तक आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये लगभग 12:30 बजे से बच्ची यहाँ पर देखी जा रही है और इससे 12:30 बजे ओबेदुल्लागंज स्टेशन पर पठानकोट एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से निकलता है, उसके बाद से बच्ची यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों ने इस बच्ची को देखा है, तब लोगों ने यहाँ प्रशासन को खबर की है और उसके बाद से लगातार इस बच्ची से पूछताछ की जा रही है। तो बच्ची अपना नाम जूही बता रही है और अपनी मम्मी का नाम मुस्कान बता रही है। इससे आगे ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है बच्ची को, क्योंकि बच्ची की उम्र बहुत कम है, 2.5 से 3 साल की बच्ची है। हालांकि 100 डायल मौके पर पहुंच चुकी है और GRP भी मौके पर अभी आ रही है। तो यहाँ पे लोग ही अब उस बच्ची से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि बच्ची आखिर यहाँ पर कैसे आई, या ट्रेन से छूट गई है ये, या फिर कोई इसे यहाँ पर छोड़ कर गया। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम बातचीत के लिए। 2.5 से 3 वर्ष की बच्ची है, हालांकि उसने अपना नाम और उसकी मम्मी का नाम बताया है और इसके बाद अब पुलिस इस बच्ची के परिजन की तलाश में जुट गई है। बंसल न्यूज चैनल ने एक